सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पीच बबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज का ये वीडियो है सवाल के जवाब में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, स्पीच बबल बनाने के लिए हमको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ ऊपर रिबन में इंसर्ट टैब। ये देखिए, ये रहा इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमको जाना है शेप्स में। ये देखिए, ये रहा शेप्स का ऑप्शन, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे नीचे जाइए और यहाँ वाले ऑप्शंस में देखिए, ये है आपका स्पीच बबल का ऑप्शन। यहाँ कई सारे ऑप्शंस हैं, आप जो मर्जी चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये सर्किल, मतलब ये गोल वाला हम ले लेते हैं। ठीक है, स्पीच बबल ओवल शेप में जो है ये हम ले लेते हैं। ठीक है, वैसे चार हैं यहाँ पे, तो हम ये ओवल वाले पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए प्लस साइन बन करके आ गया। अब यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब ये पॉइंट देखिए नीचे से, ये पॉइंट आप पकड़ करके इसको जिधर भी आपका जो भी आइकन है उधर आप इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने घुमा दिया, उसके बाद यहाँ बीच में क्लिक करिए और यहाँ आप जो मर्जी चाहें वो आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हेलो हाउ आर यू। ठीक है, तो आप देखेंगे कि स्पीच बबल बन गया। आप चाहें तो इसका आकार भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। ठीक है।